पे। तो ये चीज समझ में आई कि जो ये जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं ये ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इनके पास एसिड ग्रुप होता है और बेस ग्रुप दोनों होते हैं। तो एसिड ग्रुप क्या करता है, ये अपना एच प्लस डोनेट कर देता है अमीन को, ये NH2 ग्रुप को, और ये आपका क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है, एक डायपोलर कंपाउंड बन जाता है। मतलब इसमें दो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। और इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट वगैरह हाई होता है, ठीक है। ये नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट, नॉर्मल जो कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब जिस ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ COH ग्रुप होता या सिर्फ NH2 ग्रुप होता, ये उसकी तरह बिहेव नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज दे एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन। ये समझ में आया सबको कि ज्विटर आयन क्या है, यस मैम। यस ये पॉइंट आपने समझना है। देखिए जो हमारे कोर्स में ना, हमें हमने सिर्फ वही करने, हम इस आर ग्रुप के ऊपर नहीं जा रहे हैं कि ये एसिड है या बेसिक ग्रुप भी इसमें फालतू प्रेजेंट है, क्योंकि उसमें फर्क आ जाता है। अभी तो हम यही मान के चल रहे हैं एक एसिड है और एक बेसिक है, क्योंकि अगर आर में भी होता है ना तो भी काफी फर्क पड़ता है, उससे पता लगेगा वो ओवरऑल एसिडिक है या बेसिक है। अच्छा अब एक चीज और आती है, ज्विटर आयन जो है, अगर आप देखें ज्विटर आयन इट इज ओवरऑल जो है वो न्यूट्रल होती है, ओवरऑल न्यूट्रल है, क्योंकि पॉजिटिव, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो भाई ये न्यूट्रल है। मैं आर की बात नहीं कर रही हूँ कि आर में एसिड ग्रुप या बेस ग्रुप होगा, क्योंकि हमें उतनी डिटेल में नहीं करना है, उसमें फर्क आ जाता है, क्योंकि जो नीचे वाली जो चेन होती है ना उसमें एसिड या बेसिक, वो भी तो एक और एसिड या बेस ग्रुप है, वो भी तो हाइड्रोजन लेगा या डोनेट करेगा, तो उसकी बात नहीं हो रही है अभी। अभी सिंपल बात हो रही है, ज्विटर आयन जो है वो ओवरऑल क्या होती है, न्यूट्रल होती है। अब एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि अमीनो एसिड जो है दे शो एम्फोटेरिक बिहेवियर, तो उसका एम्फोटेरिक का मतलब होता है दे कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। अब वो एसिड और बेस की तरह क्यों एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ज्विटर आयन। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, ये ज्विटर आयन बना हुआ है, आपने देखा है, दिख रहा है आपको ये ज्विटर आयन, यस मैम। तो एग्जाम में आ जाता है। अभी मैं क्वेश्चन भी बताऊंगी कि मान लीजिए अभी तो ये न्यूट्रल है, ओवरऑल न्यूट्रल है, एक प्लस है एक माइनस चार्ज है। अगर ये कह रहे हैं अगर मीडियम आपका एसिडिक होगा, मतलब पीएच जो होगा 7 से नीचे होगा, क्योंकि मीडियम जिसमें आपने उसे घोला हुआ है वो एसिडिक मीडियम है, तो ये जो बेसिक ग्रुप है ये वहां से प्रोटॉन ले लेगा, एसिड जो है वो अपना COH की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। मतलब एसिडिक मीडियम में जो ये अमीनो एसिड्स होते हैं ये कटाइनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये समझ में आया आप लोगों को कि एसिड के अंदर तो बेटा एसिड का तो कुछ नहीं होगा, वो तो COH रहेगा, फालतू एच प्लस प्रेजेंट है, ये जो बेसिक होगा ये चेंज होगा। ये समझ में आया सबको। हाँ जी मेरी आवाज आ रही है, तो मैं कह रही हूँ ये समझ में आया आपको ये वाला पॉइंट कि एसिडिक यस मैम मीडियम में ये कटाइनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि एसिड मीडियम में ये मीडियम से ही एच प्लस ले लेगा, बाकी जो COH है वो अगर ये जो माइनस भी था ये भी मीडियम से एच ले लेगा, तो भाई ये और ये तो खुद तो COH बन जाएगा। शिवम जा, बहुत दिनों बाद आए हो तुम तो, और जवाब भी नहीं देते, तो मैसेज करो तो कोई। अच्छा अब बारी आती है बेसिक मीडियम की। अगर मीडियम बेसिक होगा तो जो एसिड है, अभी भी ये जवाब नहीं दे रहा, जो एसिड है वो जो है बेसिक मीडियम में से को एच प्लस दे देगा अपना, और जो बेसिक ग्रुप है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। इट मींस बेसिक मीडियम में जो ये अमीनो एसिड्स होते हैं ये अनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब CO माइनस की फॉर्म में। ये पॉइंट आपको समझ में आया, यस मैम। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चंस। अब ये जो है इसमें अगर आप देखें, पहला क्वेश्चन हमने नहीं करना है क्योंकि वो सुक्रोज से रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है ग्लूकोज के रिएक्शन बताइए, जो ये बताते हो इसमें 6 कार्बन है, इसमें कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें अल्कोहलिक ग्रुप है, तो वो आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है एनोमर्स क्या होते हैं, एनोमर्स की डेफिनेशन लिखी देगा। ड्रॉ द हवॉर्ट स्ट्रक्चर ऑफ एनोमर ऑफ ग्लूकोज एंड ऑल्सो नेम देम। तो वो मैंने आपको बताया था अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोस, ये पूरा नाम लिखने को बोल रहे हैं वो,
अगर आप ग्लूकोज लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ग्लूकोपाइरेनोज। हम और स्ट्रक्चर बनाने, मतलब इस तरह वाले स्ट्रक्चर बनाने आपको, एक मिनट, क्योंकि ग्लूकोज में 6 मेंबर रिंग बनती है, तो इस तरह का आपने स्ट्रक्चर बनाना है। तो एक अल्फा बनाना है, जो आपका अल्फा वाला होगा उसमें OH नीचे की तरफ होगा, और जो आपका बीटा होगा उसका OH जो है वो आपका ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, अब उससे अगला क्वेश्चन आता है, ऐसा मोनोसेक्राइड बताइए जो माल्टोस और व्हाट आर द मोनोसेक्राइड प्रेजेंट इन माल्टोस एंड लैक्टोस। तो आपको मैंने बताया था माल्टोस के अंदर टू मॉलिक्यूल, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ माल्टोस वी हैव टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोस। और लैक्टोस में क्या होता है, ग्लूकोस होता है और एक लैक्टेस होता है, मतलब वन लैक्टोस कंटेन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोस एंड वन गैलेक्टोस। ये हमने पहले भी किया था, तो वही आपने देखना है। बाकी स्टार्च और सेलुलोज का स्ट्रक्चर नहीं हम करेंगे, पर एनिमल स्टार्च कौन होता है, ग्लाइकोजन। वैसे तो ये भी नहीं आएगा पर आप पता रख लीजिएगा। उसके बाद ये एनिमल स्टार्च ग्लाइकोजन को बोलते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहे हैं आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जो पेंटा एसिटेट बनता है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो जो आपको मैंने ओपन मैंने बताया था ना, कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि ये जो पेंटा एसिटेट है ना, इसके अंदर हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ ये रिएक्ट नहीं होता, इससे ये पता लगता है कि इसमें जो है कार्बोनिल या एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। तो वो जो मैंने शुरू में आपको बताए थे ना कि कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं विच आर नॉट एक्सप्लेन बाय ओपन चेन स्ट्रक्चर, तो उसमें लास्ट वाला पॉइंट है। आदित्य म्यूट करो, तो उसमें लास्ट वाला पॉइंट है कि जिसमें ये कह रहे हैं कि पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज डू नॉट गिव हाइड्रोक्सिल अमीन टेस्ट, तो इससे ये पता लगता है इसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये अभी हमने करना है, इसके अंदर प्रोटीन में कौन, अभी वो हम करेंगे। उसके बाद ये आता है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 को आप ध्यान से देखेंगे, ये कह रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। अगर आप अमीनो एसिड की बात करें वो ज्यादा होती है अगर आप हेलो एसिड लें। हेलो एसिड क्या होता है, जिसके पास CLO एसिड ग्रुप और CLO, ये अमीनो एसिड है, यहाँ पे NH2 ग्रुप है। तो ये कह रहे हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी ज्यादा क्यों होती है, आप सिंपल लिख दीजिए, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ज्विटर आयन, या दे एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन। वही एक ही लाइन का आंसर है। शिवम झा, यस मैम। ना तुम जवाब दे रहे हो ना तुम क्लास में आते हो, ये गलत बात है तुम्हारी। तुम्हें मैसेज भी करो तुम्हारा नाम लेके, तुम तब भी जवाब नहीं देते हो। अभी भी म्यूट कर लिया तुमने मैम, वो यहाँ पे आवाज खराब आती है ना, इसलिए वो बहाने है खाली। अब आ जाओ दिल्ली, आ जाओ, साइन भी तो करने हैं, पेपर के कहाँ दोगे। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ड्यूरिंग डीनेचुरेशन ऑफ, ये अभी हमने करना है, ये वाला भी जो है ये वाला हमने नहीं करना, एंजाइम हमारे कोर्स में नहीं है। लेकिन अगर आता है कि माल्टोस से ग्लूकोज कैसे बनाते हैं, तो एंजाइम का नाम होता है माल्टेस, ASC लग जाता है लास्ट में। बाकी ये विटामिन हमने नहीं करने हैं, ये हमारे कोर्स में नहीं है। 11वां क्वेश्चन अभी हम करेंगे, अभी हमने ये किया नहीं है, न्यूक्लिक एसिड, ये मैं आपको बता रही हूँ। 15 क्वेश्चन नहीं है आपके कोर्स में, इसी तरह से जो है 15 नहीं है, बाकी 17 भी नहीं है क्योंकि विटामिन कट चुके हैं। चलो अभी ये बात करते हैं जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रही थी पहले, तो आप ये क्वेश्चन 8 को अच्छे से पढ़ लीजिए। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, ये कह रहे हैं एक ऑप्टिकली एक्टिव, पहले ध्यान से पढ़ेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव है मतलब ये ग्लाइसिन तो नहीं हो सकता। पहले मैं जर्नल फॉर्मूला लिख लूं, अगर मैं जर्नल फॉर्मूला लिखती हूं क्या होता है, ये R होता है, मतलब इसमें ये दो कार्बन तो होते ही होते हैं, कौन कौन से, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दो कार्बन है, बाकी चेन में होंगे कि नहीं होंगे, ग्लाइकोजन में तो दो ही होते हैं। चलो आगे कह रहे हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो पता लग गया ये ग्लाइकोजन नहीं है। ये तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है डिपेंडिंग ऑन pH। अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड की तीन फॉर्म तो मैंने वही बताई है, एक न्यूट्रल, एक कटाइनिक और एक अनायनिक। अब कह रहे हैं इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला ये वाला है,
अब आपको सोचिए अमीनो एसिड का जर्नल फॉर्मूला मैंने लिख दिया, इसका मतलब इसमें कितने कार्बन फालतू है, एक फालतू है। इट मींस ये आर हटाकर यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, सी एच थ्री, यही लिखेंगे, यही लिखेंगे। यस मैम। क्योंकि देखिए ये यही देते हैं, मैंने आपको बोला वैलीन, ये जो वैलीन, अगर मान लो वैलीन होता उसमें तीन कार्बन होते या जैसे भी, लेकिन ये या तो ग्लाइसिन देंगे या ये एलेनिन देंगे। अब इसमें ये कह रहे हैं कि मॉलिकुलर फॉर्मूला, पहली बात ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव से आपको समझ में आ जाता है ये ग्लाइसिन नहीं है, क्योंकि जो ग्लाइसिन होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अब आता है मॉलिकुलर फॉर्मूला में, कह रहे हैं कि एक कार्बन इसमें अगर आप देखें कि ये वाले कार्बन तो होंगे होंगे किसी भी अमीनो एसिड में, ये जिसपे वन और टू लिखा हुआ है, ये वन वाला और टू वाला, बाकी तीसरा कार्बन का होगा साइड चेन में तो एक ही। आप गिनती कर लो, हाइड्रोजन सात है, ये तीन, ये पांच, छह, सात, सात है इसमें, तो फॉर्मूले में भी जो है अगर आप ध्यान से देखें सात दिए हुए हैं। एक नाइट्रोजन है, ठीक है, फॉर्मूले में भी दो ऑक्सीजन है, चलो दो ऑक्सीजन है, कार्बन कितने है? एक दो तीन, तो ये यही कंपाउंड है, एलेनिन नहीं है। अब कह रहे इसका स्ट्रक्चर बनाओ एक्वस मीडियम में, व्हाट आर सच आयन कॉल्ड्स, तो इसका जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या स्ट्रक्चर होगा एक्वस मीडियम में, ये हो गया स्ट्रक्चर ये वाला, और इसको क्या बोलेंगे, लिखा है ना कैसे, ज्विटरायंस, तो इसके नीचे लिख दीगा ज्विटरायन। मान लो आपने ऊपर वाला लिख दिया ज्विटरायन, आपको पता भी था पर आपने लिखा नहीं, तो आपके आधे मार्क्स कट जाएंगे इसमें, तो ज्विटरायन की एक्वस मीडियम में। अब ये कह रहे हैं किस मीडियम में कटायन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अगर आप देखें कटायन किस पे चार्ज होता है, एसिडिक मीडियम, तो आप उस, अगर इसमें देखो एसिडिक मीडियम में करता है, अगर बाई चांस जो है ये जो है कौन से, इन विच मीडियम विल द कटायन फॉर्म ऑफ कंपाउंड ए एग्जिस्ट, तो अगर बाई चांस स्ट्रक्चर बोला होता तो आप स्ट्रक्चर भी बना देते। अच्छा अब आगे देखते हैं, कह रहे इन अल्कलाइन मीडियम किस इलेक्ट्रोड की तरफ, अल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम, किस इलेक्ट्रोड की तरफ ए जो है वो माइग्रेट करेगा। अब आप इसका चार्ज देखेंगे कि बेसिक जो बेसिक मीडियम है उसमें चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, इसका मतलब किस इलेक्ट्रोड की तरफ वो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। अगर मान लो आपको कैथोड एनोड में कंफ्यूजन हो रही है तो आप जो है ये लिख दीजिएगा कि इट विल मूव टूवर्ड जो है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। और वैसे अगर आप कहें कि कटायन है या अनायन है, तो एक चीज बेटा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कटायन कौन मूव कर रहा है, अनायन मूव कर रहा है ना, कौन मूव कर रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, ये इलेक्ट्रोलिसिस की बात हो रही है, कौन मूव कर रहा है, नेगेटिव चार्ज अनायन, नेगेटिव को क्या बोलते हैं अनायन, तो ये एनोड है। हालांकि ये कोई बच्चा मुझे ये कह सकता है अच्छा ये जो है नेगेटिव चार्ज है और ये खुद नेगेटिव चार्ज है, तो ये किसकी तरफ मूव कर रहा है, नेगेटिव आयन की तरफ मूव कर रहा है, मतलब ये एनोड है। तो ये आपको इलेक्ट्रोलिसिस में वैसे भी बताया था कि जो एनोड होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होती है जब बिजली लगाई जाती है, तो ये लगाने वाली बात होती है। तो आप इस तरह से लिख लीजिए, अगर अनायन है तो एनोड की तरफ, और अगर सेफर साइड आप करना चाहते हैं तो आप लिख दो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड या नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। तो याद रखिए जब बिजली, अगर कटायन और अनायन मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब वहां पे बिजली बन रही होगी कोई ना कोई। हाँ अगर वो उल्टा होता है, अगर आपका कौन सा सेल होता है, गैल्वेनिक सेल, जिसमें बिजली प्रोड्यूस होती है, इसमें क्या है बिजली लगा रहे हैं, तो जब बिजली लगाते तो अगर आप इसमें कंफ्यूज हो जाते तो आप इतना लिख दीजिए कि ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है गैल्वेनिक सेल उसमें और इलेक्ट्रोलिसिस में ये चीज सेम होती है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होनी है, कैथोड पे रिडक्शन होनी है, ये दोनों पॉइंट सेम होते हैं लेकिन जो चार्ज का फर्क होता है। चलिए अब आप क्वेश्चन 19 जो है पढ़िएगा, पढ़ लिया सबने या मैं समझाऊं, पढ़ लिया मैं। अब ये कह रहे हैं एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है ये वाला, तो अब आप जैसे ही फॉर्मूला देखेंगे आप कहेंगे ये ग्लूकोज का फॉर्मूला भी है और ये फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला है ना। चलो अब आगे पढ़ते हैं, इसके ए और बी दो आइसोमर होते हैं, जब ए और बी को पानी में घोला जाता है तो इस तरह से इक्विलिब्रियम आ जाता है, मतलब ये जो बीच वाला अगर आप देखिए, अब आप चलो आपको ये तो समझ में आ गया होगा एक अल्फा है और एक कौन सी फॉर्म है, बीटा, बीटा फॉर्म है। तो
लेकिन अब ये नहीं समझ में आ रहा ये फ्रक्टोस है या ये ग्लूकोस है। तो यहाँ पे देखिए 52.5 डिग्री ये रोटेशन दी हुई है इसकी, क्या दी हुई है रोटेशन, ठीक है। वो जो होता है ना कि लेफ्ट की साइड मुड़ेगा या राइट की साइड डेक्स्ट्रो होगा या लेव होगा, अब 52 का मतलब है आगे प्लस का साइन है। तो जो ग्लूकोज की जो रोटेशन होती है वो क्या होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, प्लस होता है, तो इसलिए ये ग्लूकोज ही है। मान लो ये लगभग दे रखी होती -92 समथिंग, फॉर्मूला ये दिया होता है, इसका मतलब माइनस में है तो वो फ्रक्टोस होती। तो यहाँ पे वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि आपका ये ग्लूकोज है या फ्रक्टोस है। तो आप ये देखिए ये आपको ये दिया हुआ है एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो ये प्लस साइन है, इसका मतलब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कौन होता है ग्लूकोज, और ये अल्फा फॉर्म है, अल्फा फॉर्म की रोटेशन ज्यादा होती है बीटा की कम होती है। तो अब ये कह रहे हैं ऐसे आइसोमर को क्या बोलेंगे, आंसर क्या आएगा एनोमर्स। फिर कह रहे हैं क्या ये इनेंशियोमर है, अब इनेंशियोमर क्या होते हैं जिनकी मिरर इमेज होती है, मतलब अगर OH किसी अगर किसी का राइट साइड में OH है तो दूसरे जो दूसरा इनेंशियोमर होगा उसमें लेफ्ट साइड में दिखेगा हमें। पर अगर आप ध्यान से देखें इसमें नीचे वाले सारे मतलब C2 C3 C4 वगैरह जो कार्बन होते हैं वो सब सेम होते हैं एग्जैक्ट, इसका मतलब दे आर नॉट इनेंशियोमर। तो आपका आंसर आएगा दे आर नॉट इनेंशियोमर बिकॉज दे आर नॉट नॉन सुपर जो है दे आर नॉट सुपर इम्पोजिबल नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ये क्योंकि ये एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओ, एक का मतलब हवॉर स्ट्रक्चर बनाओ, ये ना मैंने लिखा नहीं है दोबारा से, आप ध्यान रखिएगा ये वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं इन्हें हवॉर स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ग्लूकोज का बनाइए आप, ये जो है अल्फा है नीचे हुआ चाहेगा, अब बस इतना ध्यान रखिएगा अल्फा की रोटेशन जो अल्फा आइसोमर होता है उसकी जो रोटेशन होती है वो ज्यादा होती है देन बीटा, ग्लूकोज की बात करें, ठीक है। इतना समझ में आया सबको? यस मैम। ठीक है, ऐसे करके देखिएगा, ऐसे यही क्वेश्चन आते हैं दो, मुझे यही दो मिले थे कभी, बाकी कहीं पे और क्वेश्चन नहीं मिले। बाकी ये जो नीचे वाले असेंशियल अमीनो एसिड लिखिए, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाइए, अच्छा ये अभी हम करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये कह रहे हैं ऐसे रिएक्शंस बताइए डी ग्लूकोज के जो उसका ओपन जो चेन स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लेन नहीं करता। तो मैंने आपको बताया था ये शिफ्ट टेस्ट नहीं देता ग्लूकोज, दूसरा बताया था ये एक NaHSO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता, एक बताया था कि इसका जो पेंटा एसिटेट होता है वो जो है अभी बताया था ना वो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट नहीं करता, जिससे ये पता लगता है इसमें फ्री CHO ग्रुप नहीं है। तो इतना समझ में आया सब बच्चों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये जो दो देखिए बाकी सारे क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन अगर मान लो इस तरह के दो क्वेश्चन आ गए, क्योंकि इस बार बेटा क्या है वो एक पैराग्राफ आएगा उसी के हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए होंगे, पैराग्राफ में आंसर नहीं होगा, लेकिन मान लो मैंने प्रोटीन के बारे में कहानी लिख दी ऊपर और नीचे मैं कुछ और पूछूं कि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लूं तो वो होगा, जरूरी नहीं है कि आपका आंसर पैराग्राफ में ही मिलेगा, ठीक है। वो अभी हम जब डिस्कस करेंगे ना एक बार हम वो भी डिस्कस कर लेंगे आपका, मैं वो एक जो आपको मैंने सैंपल पेपर का क्वेश्चन भिजवाया था ना वो मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगी, वो मैंने अभी इसमें ले नहीं रखा, जो सैंपल पेपर में मैंने कहा था ना प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन, वैसे तो अभी मैंने वो टॉपिक ही नहीं कराया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखिए एक बार आप इसकी पहली लाइन रीड कर लीजिए और मुझे बताइए कोई एक दो अनुराग बता दे चलो तो उसे क्या समझ में आया ये पढ़ के, मतलब मुझे अनुराग बताए। मैम प्रोटीन्स जो होती है ना वो अल्फा अमीनो एसिड्स की बहुत लंबी लंबी चेन्स होती है। आगे बताओ। अल्फा अब ये देखो छोड़ो सिंपल है, मैंने बोला है अगर आप चलो इसको नॉर्मल भाषा में बात करते हैं, आप एक माला बना रहे हैं, ठीक है। माला जो है दो तरीके से बना रहे हैं, पहला तरीका बता देते हैं जो नॉर्मली फ्लावर की माला लगा लीजिए या मोतियों की लगा लीजिए,
अब आपकी माला क्या है, एक पॉलीमर है, मान लो उसमें 100 फूल जुड़े हुए हैं, आपने 100 फूलों की माला बनानी है, तो वो जो फूल हो गए वो आपके क्या हुए, जो फ्लावर हुए वो मोनोमर हो गए। अब जैसे इसके अंदर मोनोमर क्या है, प्रोटीन का अल्फा अमीनो एसिड। अब वो जो मोती है या वो जो फूल है वो कैसे जुड़े होंगे, कोई ना कोई उनके बीच में बॉन्डिंग होगी, ताकत होगी, मतलब धागा होता है उनके बीच में। तो ये कह रहे हैं जैसा एक माला में, और या फिर क्या कर सकते हो, मान लो आप बना रहे हो दूसरे तरीके से, आप गोंद जोड़ के बना रहे हो, आप फेविकॉल लेते हो या फेविक्विक लेते हो, मोती एक मोती पे लगाते हो, फिर उसे दूसरा मोती ज्वाइन करते हो, फिर तीसरा ज्वाइन करते हो, फिर चौथा ज्वाइन करते हो। तो इसी तरह से ये कह रहे हैं प्रोटीन जो है उसमें अमीनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं। अमीनो एसिड जो है वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, उनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसे पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, या पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं, या एमाइड बॉन्ड बोलते हैं। पहले अभी ये नाम समझ लीजिए, ये समझ में आया कि प्रोटीन में कौन सी लिंकेज होती है? Yes, ma'am. पेप्टाइड बॉन्ड, हाँ पेप्टाइड बॉन्ड कह दो, पेप्टाइड लिंकेज कह दो, या अमाइड बॉन्ड कह दो। तो यहाँ पे पीछे अगर आप ध्यान से देखें, अभी जो मैंने ये क्वेश्चन कराए थे इसमें मैंने एक ये बोला था, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट पढ़िए। हालांकि इसमें डीएनए के बारे में भी पूछा गया है, लेकिन आप प्रोटीन तक पढ़िए। पेप्टाइड लिंकेज, हाँ पेप्टाइड लिंकेज, क्योंकि कह रहे हैं प्रोटीन में जो बेसिक यूनिट्स होती हैं उनके बीच में कौन सी लिंकेज प्रेजेंट होती है, तो उसका आंसर है पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, ऐसे डीएनए में भी पूछ सकते हैं, आरएनए में भी पूछ सकते हैं, आरएनए और डीएनए में सेम लिंकेज होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट आता है आपका हाँ यही। अब ये जो मैं क्वेश्चन है ना, ये जो मैंने चीजें लिखी हैं नीचे, अब पेप्टाइड लिंकेज होती क्या है, अब ये कह रहे हैं मान लीजिए आपके पास एक अमीनो एसिड है जिसमें ये जो R है इसको R1 कह दिया, इसको मैंने कह दिया R2। ये पॉइंट समझ में आता है कि दो अमीनो एसिड है, एक ये वाला और एक ये वाला। अब ये R1 R2 के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब मान लीजिए दो ग्लाइसिन ग्लाइसिन आपस में जुड़े हों तो इसमें दोनों बराबर है, या दो एलेनिन एलेनिन जुड़े हों, या ये कह दे एक एलेनिन है और एक ग्लाइसिन है, तो मतलब ये R1 R2 के बराबर भी हो सकता है। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ये बोल रही हूँ कि एक को R1 लिख दिया, एक को R2 लिख दिया। अब क्या होता है जब ये आपस में जुड़ते हैं, अब आप ये देखिए, ये जो आगे वाला, ये वाला अमीनो एसिड है जो आगे रहेगा उसका अगर आप देखेंगे, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट अगर दो जुड़ रहे हैं, ये जो कोने वाला होगा ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये करेगा COH। इसको लिखते ही ऐसे अभी बताएंगे, वो स्टैंडर्ड वो है, वो कॉलेज में करेंगे, पर मैं अभी आपको बता दूंगी। तो क्या होता है, जो दूसरे वाला होता है उसका NH2, दोनों में से वाटर निकल जाता है। तो आपको पता है जब COOH ग्रुप और NH2 जो ग्रुप है वो आपस में जुड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, तो क्या बॉन्ड बनेगा, CONH, और इसको बोलते हैं अमाइड बॉन्ड, या इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। समझ में आ गया? Yes, ma'am. अब देखिए, ये जो पहला जो अमीनो एसिड जो इस कोने पे है, इधर वाले कोने पे, और हमेशा ना इसी कोने पे बनाते हैं जिसका NH2 फ्री होता है। कोई बच्चा बोले नहीं मैडम मैं ना इसको इधर लिख देता हूँ NH2 वाला, इधर वाला नहीं, ये स्टैंडर्ड जो है वो होता है ना कि स्टैंडर्ड कन्वेंशन है कि ऐसे ही यूज करिए। अभी बताऊंगी, क्योंकि अभी ये यहाँ पे नहीं आपको बताएंगे, पर ध्यान रखिए इसका नाइट्रोजन फ्री है जो इस कोने में होगा, ये एन टर्मिनल होता है। ऐसे मान लो बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़े हुए आपस में 3-4, तो जो इस कोने वाला होगा, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड बोला कि जो NH2 ये एन टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है, ये NCERT में मेंशन नहीं है क्योंकि ये कॉलेज में आएगा। तो इसका मतलब अगर मैं ग्लाइसिन लेती हूँ, ग्लाइसिन को एलेनिन के साथ इस तरह से लिखूंगी, इसका मतलब ये होगा कि इसका NH2 फ्री है और इसका क्या फ्री है, COH। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अब मुझे बताइए क्या ये दोनों सेम है जो मैंने आपको बात बताई है, ग्लाइसिन एलेनिन से जुड़ा हुआ है और एलेनिन ग्लाइसिन से जुड़ा हुआ है, क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग कंपाउंड मतलब पेप्टाइड बनेंगे?
डिफरेंट बनेंगे, वेरी गुड, ये डिफरेंट बनेंगे। क्यों बनेंगे बेटा? अगर आप खुद सोचो कि ये वाला जो कॉर्नर, मैं उससे लुकती हूँ, ये वाला जो कॉर्नर है इसमें क्लोरीन का, ये जो ग्लाइसिन है इसका COH पार्टिसिपेट कर रहा है, NH2 क्या है, फ्री है। और इधर अगर आप देखें इस एलेनिन का COH फ्री है, जबकि नीचे वाले में अगर आप देखेंगे इसका NH2 फ्री है एलेनिन का, और यहाँ पे तो ये अलग अलग कंपाउंड है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। उन्होंने ना जो आपका जो वो पेपर दिया हुआ है, उन्होंने क्या किया हुआ है, स्ट्रक्चर भी दे रखा है अमीनो एसिड का, तीन अमीनो एसिड बोले हुए हैं, और बोला है कि इससे जितने भी पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं ना, मतलब पेप्टाइड बनते हैं, वो बताइए। ठीक है, अभी वो क्वेश्चन अभी बाद में डिस्कस करेंगे, बस इतना ध्यान रखो। और एलेनिन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखिए एक तो बॉन्ड बना के अगर स्ट्रक्चर आपको दिया हो, नहीं तो मान लो स्ट्रक्चर ना दिया हो आपको, आपको बोला एक एलेनिन है, असल में ना इस तरह से भी लिखा जा सकता है, या फिर तीन सिंबल और ये जो बीच में डैश डलिया है ना, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। वो क्वेश्चन अभी मैं करूंगी, अगली क्लास में करवाऊंगी। तो ये देखिए, ये कह रहे ग्लाइसिन, देखो इसमें मैं फॉर्मूला लिख कर नहीं बताया है, लेकिन अगर फॉर्मूला आपको पता हो, गिवन हो, तो आप लिख दीजिएगा, और फॉर सेफर साइड ऐसे भी लिख दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपका जो है वो सही रहे। और ये अब्रीवेशन जो है कॉलेज में कोई भी गलत नहीं करेगा। अब मैं यहाँ की नहीं कर रही हूँ, जी ए और ग्लाइसिन एलेनिन, और ये अलग है, ये दोनों अलग है, हालांकि इन दोनों में मोनोमर सेम है, लेकिन दोनों क्या है, डिफरेंट है। हाँ बेटा, नेक्स्ट आता है कि अगर दो अमीनो एसिड किसी में जुड़े हो तो उसे क्या बोलते हैं, डाइपेप्टाइड। अगर बेटा तीन जुड़े हो तो ट्राइपेप्टाइड, अगर चार जुड़े हो। अब बेटा ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, या रिपीटेशन भी हो सकती है, कि मान लो तीन है उसमें दो ग्लाइसिन है एक एलेनिन है, तो कोई भी हो सकते हैं। लेकिन अगर दो अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं तो डाइपेप्टाइड, तीन जुड़े हुए हैं तो ट्राइपेप्टाइड। ये प्लीज पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब देखो मुझे छुट्टी होगा, अभी पता नहीं जो है कब से है, वो आपको बता देंगे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा ये बेटा, लेकिन जो मैं बता रही हूँ ना, ये साथ साथ में पढ़ लो, क्योंकि बड़ा सिंपल सा है, ठीक है, मुश्किल हो जाएगा अगर आप उसको पेंडिंग छोड़ देंगे। डाइपेप्टाइड, ये ट्राइपेप्टाइड, और जो मैं वीडियो के लिंक भेजती हूँ उसको संभाल के रखना, क्योंकि वो अनलिस्टेड वीडियो है सारी की सारी, वो किस बिना लिंक के नहीं दिखेंगी। तो लिंक अपना अपनी जो है एक अपने, चाहे पापा को मैसेज करते रहो, चाहे डिलीट कर दो अपने पापा के फोन से, लेकिन ये कि लिंक संभाल के रखो, क्योंकि लिंक जो है मान लो कभी नहीं कोई चीज समझ में आती तो आप दोबारा समझ सकते हैं। उसके बाद बेटा टेट्रापेप्टाइड। अच्छा एक चीज और कह रही थी, जो डेंसिटी वाला, जो मैंने डेंसिटी वाले न्यूमेरिकल थे सॉलिड स्टेट के, वो जो है उसके न्यूमेरिकल जो है वो मैंने यूट्यूब पे डाल दिए थे, तो वो अगर कोई बच्चा चाहे तो उसमें से जब पढ़ रहा हो। पर मेरा सजेशन यही है कि अभी आप ध्यान पिछले चैप्टर्स पे ना दें, अभी जो हमारे करंट चल रहे हैं उस पे दें, ठीक है ना, समझ आ गया क्या बोल रही हूँ, कि जो हम पढ़ रहे हैं ना आप उस पे ध्यान दें, आप पिछला जो हो गया अभी उस पे नहीं ध्यान देंगे। और ये मेरा सजेशन है, अगर आप इसको लेंगे तो आपको ही फायदा होगा। कई बच्चे ऐसा होते हैं वो क्या करते हैं, मैं क्लास में भी पढ़ा रही हूँ, मेरा वाला भी पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा वाला जो है, अब देखो एक तरफ तो ध्यान नहीं है ना, और वो वाला दूसरा चैप्टर भी पढ़ रहे हैं कि मैम मेरा वो छूट गया था इसलिए मैं वो पढ़ रहा हूँ। तो बेटा वो जो छूट गया था अभी पहले इस पे ध्यान दो, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, ये छूट जाएगा, मतलब ये 100% नहीं होगा। अगर आप सिर्फ इसी पे ध्यान देंगे तो ये बेटा 100% हो गया, अब आपको कभी इस पे दोबारा नहीं आना पड़ेगा। तो जो छूट गया वो जो है वो आप बाद में, वीडियोस तो उसकी पड़ी हुई है तो आप बाद में वो देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद ये है जिसमें चार हो टेट्रापेप्टाइड, जिसमें पांच अमीनो एसिड हो पेंटा, जिसमें छह हो हेक्सा। अब अगर अमीनो एसिड ग्रेटर देन 10 हो तो उसे पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, और पॉलीपेप्टाइड में अगर मोर देन 100 हो तो उसे बोलते हैं प्रोटीन, या जिसका मॉलिकुलर मास 10,000 यू से ज्यादा हो एक मॉलिक्यूल का, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का मास हम यूनिफाइड मास में लेते हैं। अब आता है इंसुलिन। इंसुलिन एक प्रोटीन है, लेकिन इसमें सिर्फ अमीनो एसिड कितने हैं, 51, लेकिन इसे प्रोटीन बोला जाता है, ये एक हार्मोन है। अब इसमें 51 है, इसको प्रोटीन क्यों बोल रहे हैं, इसको इसलिए बोल रहे हैं इसका जो स्ट्रक्चर है, फर्दर स्ट्रक्चर
एक होता है 1 डिग्री स्ट्रक्चर, एक होता है 2 डिग्री, एक होता है 3 डिग्री, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसको घबराओ मत कि मैंने ये क्या क्या बोल दिया, ये अभी नहीं कराया मैंने। तो लगभग इसका जो स्ट्रक्चर है ना, वो जैसे ये फंक्शनल प्रोटीन होता है जो काम करता है, तो इसलिए इसमें ये प्रोटीन ही माना गया। तो ये पूछा नहीं जाएगा कि ये 50, पर हाँ ये पूछा जा सकता है हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन इंसुलिन, तो आंसर आएगा 51। और ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा समझ के कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं ये अभी भेज दूंगी आपको। अब मैं जो है अब आता है बेटा प्रोटीन को क्लासिफाई। देखो ये मैं शायद कॉल अपने आप कट जाएगी, अब ये मैं अगली क्लास में लूंगी। तो वैसे मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ जब तक वो कटती नहीं है कॉल। तो बेटा मैं आप लोगों को ये बोल रही हूँ कि जो प्रोटीन है ना, उसको क्लासिफाई करने के तरीके तो 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। एक होता है फाइबरस, एक होता है ग्लोबुलर। तो पेपर में क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू, या पेपर में आ सकता है फाइबरस प्रोटीन का एग्जाम्पल दो, ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल दो। तो बेटा मैंने ये डिस्टिंग्विश बिटवीन की टर्म्स में लिखा है कि इसका स्ट्रक्चर धागे जैसा होता है, फाइबर लाइक। ये स्फेरिकल शेप का होता है, ये पानी में नहीं घुलते, आपके बाल पानी में नहीं घुलते, आपके नाखून पानी में नहीं घुलते, तो वो क्या है? फाइबर। तो बालों में अगर